नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ, ये शनि के दोषों से आपको मुक्त कर ही देगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी देखो मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, इसी ग्रह के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप इस उपाय को करें, इससे ये ग्रह शांत हो जाता है। तो हमारे किसी व्यूवर ने कमेंट की थी कि मैडम ऐसा हो नहीं सकता, ये इतनी जल्दी शांत हो ही नहीं सकता। देखिए, हो सकता है आपको किसी ने इतना ही नॉलेज दिया हो, क्योंकि आप भी जो बात कर रहे हैं अपने नॉलेज के आधार पर ही कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। और जो विधि मैंने बताई है आपको, आप उसको कंटिन्यू करके देखें, ना हो जाए तब आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि नहीं हुआ। कभी ऐसा होता है कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड है, जैसे अभी मैं शनि का उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हूँ आपकी कुंडली में शनि, तो आपको समय लगेगा थोड़ा। फिर शनि के साथ जैसे राहु भी आपको कहीं तकलीफ दे रहे हैं, मंगल भी कहीं तकलीफ दे रहे हैं, सूर्य भी कहीं तकलीफ दे रहे हैं, जो भी क्रूर ग्रह हैं अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो शनि शांत होने के बाद में भी आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे तकलीफें तो हो ही रही हैं, मतलब कि शनि शांत नहीं हुए। ये जो एस्ट्रोलॉजी है बहुत बहुत अटपटी चीज़ है, एक्चुअली जिसके समझ में आता है उसके लिए कुछ भी अटपटा नहीं है। कहते हैं ना, भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन लोग कहीं जंगलों में जाते हैं, कहीं नदियों में जाते हैं, वर्षों भूखे रहते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं, साधनाएं करते हैं। बहुत अच्छी बात, साधनाएं करके आपको सिद्धि मिलती है, छाप तिलक ये चीजें आपको वो चीज देंगी जो आपने लगा रखा है। लेकिन भगवान को पाने के लिए आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, जैसे हैं, अगर आपका मन शुद्ध है, आप सबकी मदद करना चाहते हैं, आप ऐसे हैं जैसे छोटा बच्चा हो, तो भगवान आपको हर क्षण दर्शन देते हैं। भगवान को ढूंढने कहीं जाना नहीं है। ऐसे छोटे से छोटा उपाय भी अगर आप मन से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाएंगे तो ही ठीक होगा। नहीं, छोटे छोटे उपाय आपकी जिंदगी बदल देंगे। शनि बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप एक काम करें, बहुत आसान है, बहुत आसान। शनिवार की रात सोने से पहले घर के पश्चिम दिशा में दो बूंद सरसों का तेल गिरा दे, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये बोल करके पृथ्वी माता को दे देना है। आपको हर चीज की उत्पत्ति इस पृथ्वी से ही हुई है, मिट्टी से ही हुई है। ये शरीर जो आपके सामने बोल रहा है क्या है, मिट्टी से बना। एक कबूतर, एक कौवा, एक गाय, एक भैंस, आप कोई भी चीज़, एक पेड़ पौधा, कुछ भी, एनीथिंग, आप कुछ भी, जो कुछ भी आपको दुनिया में दिखाई दे रहा है, आप देखो हर चीज किससे बनी है, मिट्टी से। हर चीज अंत में मिट्टी के रूप में ही परिवर्तित हो जाती है। आप किसी मरे हुए इंसान को भी कहीं छोड़ दो, किसी जानवर को छोड़ दो, सड़ने लग जाएगा, गल गल करके खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे कहाँ गया, इतनी सी मिट्टी पड़ी होगी। कोई चीज कभी अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता है, मिट्टी रूप बदलती रहती है। तो मिट्टी को जो चीज आप अर्पित करते हैं वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे देती है। दो बूंद तेल, ज्यादा नहीं, सरसों का दो बूंद तेल शनिवार रात पश्चिम दिशा में गिरा दे। जिस शनिवार से शुरुआत करें उस दिन से कंटिन्यू 41 डेज तक रोज एक क्रिया करें, शनि की पनौती उतर जाए। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।